नाउ स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट न्यूमेरिकल जो कि हमारा न्यूमेरिकल नंबर 2 है. द फ्लक्स डेंसिटी बी इन अ रीजन बिटवीन द पोल्स फेसेस ऑफ अ हॉर्सशू मैग्नेट इज 0.5 वेबर पर मीटर स्क्वायर डायरेक्टेड वर्टिकली डाउनवर्ड. फाइंड द ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द स्ट्रेट वायर 5 सेंटीमीटर लॉन्ग परपेंडिकुलर टू बी व्हेन इट इज मूव्ड इन अ डायरेक्शन एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल स्पीड ऑफ 100 सेंटीमीटर पर सेकेंड. अब इसमें हमारे पास जो एक हमने ईएमएफ को बेसिकली हमने इसमें फाइंड आउट करना है और हमारे पास जो गिवन डेटा है हम आए उसको वन बाय वन करके लिखते हैं. सबसे पहले अगर हम इसमें फ्लक्स डेंसिटी को देखें जो हमारे पास बी है वो गिवन है 0.5 वेबर पर मीटर स्क्वायर के, ठीक है जी. इसके अलावा आपके पास इसमें लेंथ गिवन है उस वायर की दैट इज़ 5 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर को जब हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये 5 मल्टीप्लाई बाय 10 टू रेस पावर माइनस 2 मीटर्स आ जाएगा. देन उसके बाद आपके पास एक एंगल गिवन है जो कि है 60 डिग्री के इक्वल और आपके पास वेलोसिटी गिवन है जो कि है 100 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ठीक है जी. जब 100 सेंटीमीटर पर सेकेंड को आप मीटर्स पर सेकेंड में करेंगे तो 100 डिवाइड बाय 100 करेंगे तो हमारे पास 1 आ जाएगा, तो ये हमारे पास 1 मीटर पर सेकेंड इसकी वेलोसिटी आ गई है. और आपने इसमें क्या फाइंड करना है, आपने इसमें फाइंड करना है ई. और आपको ये चीज़ पता है कि हमारे पास जो ई का फार्मूला है वो है वी बी एल साइन ऑफ थीटा. अब इसमें आपने जो चीज़ और याद रखनी है वो ये कि हमारे पास जो एंगल है वो 60 डिग्री हॉरिजॉन्टल के साथ है तो वर्टिकल के साथ वो हमारे पास कितना होगा कि हम उसको 90 में से 60 को माइनस करेंगे क्योंकि टोटल एंगल हमारे पास 90 डिग्री होता है और हम इसमें जो एंगल यूज़ करेंगे वो वर्टिकल वाला एंगल यूज़ कर रहे होंगे. तो इस हवाले से मैं क्या करूँगा, जो थीटा है उसको मैं 90 माइनस 60 कर लूँगा और 90 माइनस 60 होता है मेरे पास 30 डिग्री. अब जब ये मेरे पास 30 डिग्री आ गया तो मैंने इस 30 डिग्री को और बाकी तमाम चीज़ों को यूज़ करते हुए वी बी एल वाले फार्मूला में पुट कर देना है. तो आए इसको पुट करते हैं. ई इज़ इक्वल टू वी क्या है मेरे पास 1 है, बी है मेरे पास 0.5, एल है मेरे पास 5 मल्टीप्लाई बाय 10 टू रेस पावर माइनस 2 और इसके अलावा एट दी एंड हमारे पास एंगल है जो कि है साइन ऑफ थीटा और वो मैं इसके अंदर 30 डिग्री पुट कर रहा हूँ. तो आए इनकी वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करते हैं. 1 मल्टीप्लाई बाय 0.5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 10 टू रेस पावर माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय साइन ऑफ 30 और ये मेरा आंसर आता है 0.0125 वोल्ट, ठीक है जी. 0.0125 वोल्ट या इसको हम 1.25 इंटू 10 टू रेस पावर माइनस 2 वोल्ट भी लिख सकते हैं अगर मैं इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखना चाहूँ. तो यूँ हमने देखा कि हमारे पास एक सिंपल सा न्यूमेरिकल था जिसमें हमारे पास तकरीबन सारे के सारे पैरामीटर्स गिवन थे और हमने उसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ को फाइंड आउट करना था.